नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि फूड डिपार्टमेंट में आ चुकी है नई भर्ती। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फूड डिपार्टमेंट की नई भर्ती के बारे में, जिसकी सीधी भर्ती की सूचना जारी हो चुकी है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि फूड डिपार्टमेंट में दो नई भर्ती की सूचना जारी कर दी गई है, जिसकी संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। अगर आप दोस्तों कक्षा 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है, तो दोस्तों आप सभी अभ्यर्थी इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने से पहले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रोजाना इसी प्रकार नई भर्तियों की जानकारी के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फूड डिपार्टमेंट भर्ती 2022 के बारे में, जिसकी नई भर्ती की सूचना जारी हो चुकी है। यह जो भर्ती है दोस्तों बिल्कुल सीधी भर्ती है। ऑफिसर के पद है, क्लर्क के पद है, फूड इंस्पेक्टर के पद है। योग्यता की बात करते हैं तो कक्षा 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों सैलरी आपको लगभग 80,000 रुपए प्रतिमा मिलेगी। संपूर्ण भारत से सभी महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों भारत के किसी भी राज्य या जिले में आप रहते हैं तो आप सभी अभ्यर्थी जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अन्य सभी जानकारी के लिए सीधा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। तो दोस्तों अधिक जानकारी और आवेदन करने का लिंक मिलेगा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर sarkaritodaynews.com पर। दोस्तों आज ही हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और आवेदन करें। आप चाहें तो गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए दो भर्ती की जानकारी लेकर आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नई भर्ती की जो निकाली जा रही है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं बम्पर वैकेंसी है। पद की बात करते हैं तो एडवाइजर के पद हैं, डायरेक्टर के पद हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर के हैं, टेक्निकल ऑफिसर के हैं, असिस्टेंट के हैं, हिंदी ट्रांसलेटर के पद हैं, आईटी असिस्टेंट के हैं और यहाँ पर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद हैं और फूड एनालिस्ट के पद हैं, जॉइंट असिस्टेंट ग्रेड 1 के पद हैं, डिप्टी मैनेजर के पद हैं। आवेदन केवल आपको दोस्तों ऑनलाइन करना होगा। संपूर्ण भारत से सभी महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन जो है संपूर्ण भारत की रहेगी। सैलरी आपको लगभग 67,000 से 1,23,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। वहीं दोस्तों चयन प्रक्रिया में आपकी लिखित परीक्षा है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और दोस्तों यहां पर उम्र सीमा जो है अधिकतम 56 वर्ष है और यहां पर आवेदन शुल्क जो है जनरल ओबीसी के लिए 1,000 है, एससी एसटी वुमेन्स के लिए 250 रुपए है। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। योग्यता जो है कक्षा 10वीं से 12वीं और ग्रेजुएट पास सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों एक और नई भर्ती आ चुकी है जो कि आप देख सकते हैं फूड डिपार्टमेंट की तरफ से है। पद की बात करते हैं तो फूड इंस्पेक्टर के पदों पर नई भर्ती की सूचना जारी की गई है और कुल पदों की संख्या 84 है। आवेदन केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। महिला और पुरुष सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा जो है कम से कम 21 है, अधिकतम जो है 30 वर्ष है। आयु सीमा में छूट है सरकार के नियम अनुसार। और दोस्तों आवेदन शुल्क जो है जनरल के लिए 350 है, ओबीसी के लिए 250 है, एससी एसटी के लिए 200 रुपए है। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा किसी भी माध्यम से। वहीं योग्यता की बात करते हैं तो अगर आप ग्रेजुएट पास है यानी कि स्नातक पास है किसी भी विषय के अंतर्गत तो आप सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा। आवेदन शुरू हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।